जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं कल्पना भाईश्री अपने चैनल भाईश्री रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आलू की कचौड़ी बनाने का एक बहुत ही आसान और एकदम परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी जो कचौड़ियाँ बनेंगी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेंगी। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। एकदम परफेक्ट बट इजी तरीके से आलू की कचौड़ियां बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है और जितनी मैदा लिया है उसका 1/4 मैंने सूजी ले लिया है, जिससे हमारी कचौड़ियां बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा डो अच्छा लग जाए और डो लगाने के लिए बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैदा के साथ ही सूजी भी डाल दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, नमक और मैदा और सूजी को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसके बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ हम इसका डो लगाएंगे। आधा कप पानी भी नहीं लगाया है और डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि डो अभी देखने में काफी रफ लग रहा है, लेकिन इस समय हम इसे मसलेंगे नहीं, बस ऐसे ही ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप से ज्यादा कद्दूकस किया हुआ आलू, क्योंकि हम आलू की कचौड़ियां बना रहे हैं। आलू करीबन मैंने उतना ही लिया है जितनी मेरा मैदा और सूजी का डो है, यानी बराबर क्वांटिटी में हमें आलू की जरूरत होगी। आप चाहें तो आलू की कचौड़ी बनाएं और चाहे आलू के पराठे हो या आलू का कोई और नाश्ता हो, उसके लिए आप आलू को ओवर कुक ना करें। और देखिए आलू जो है काफी खिला खिला सा है, यानी उसमें पानी बहुत ही कम है। और अब बारी है इसमें मसाले डालने की। सबसे पहले डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। आप कभी आलू की कचौड़ी बनाएं या पराठे बनाएं, जो आलू यूज करें ठंडा होना चाहिए, लेकिन फ्रीज में रखा हुआ ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें और ये लिया है मैंने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। ये कच्चे जीरे का पाउडर है, इससे कचौड़ियों या पराठे के टर्न का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कचौड़ियों को बहुत ही चटपटा करने के लिए मैंने लिया है ये 1/8 टीस्पून गरम मसाला। साथ ही डाल देते हैं 2-3 हरी मिर्चें, जिसे एकदम बारीक बारीक काट लिया है, हाथ से क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी, हरा धनिया और इसके बाद इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग जो आलू यूज कर रहे हैं और वो काफी पनीला है, यानी उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप आलू को हल्का सा भून लें। आलू में मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इधर जो हमने डो रखा था उसे रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार डो को हम अच्छे से मसल लेंगे और डो को अच्छे से मसलने के बाद में हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। एक बड़े नींबू के साइज के मैं इसके पेड़े तोड़ लूंगी, क्योंकि हमें इन्हें स्टफ भी करना है। और ये सभी पेड़े हमारे टूट के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद जो स्टफिंग तैयार करी थी उसको भी हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जितना हमने मैदा का पेड़ा लिया है करीब उतना ही हम आलू के पेड़े भी बनाएंगे। और हमारे ये 10 पेड़े इसके भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद बारी है कचौड़ियों को स्टफ करने की। उसके लिए 1 पेड़ा लिया, थोड़ा सा बेल लेंगे जिससे स्टफिंग करना आसान हो जाएगा। किनारे पतले रखेंगे और बीच थोड़ा सा मोटा। और उसके बाद हथेली पर इस तरीके से ले लेंगे, स्टफिंग वाला पेड़ा लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए हम इसे स्टफ कर लेंगे। अच्छे से एक बार और प्रेस कर दिया, एक कचौड़ी हमारी भरकर तैयार हो गई है। एक और बना लेते हैं। इसी तरीके से मैंने ये कुछ कचौड़ियां बनाकर तैयार कर ली हैं। कचौड़ी बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही यूजफुल टिप होती है, वो ये है कि जिस तरीके के आपके आलू का मिक्सचर है, यानी उसका डो बनकर तैयार हुआ है,
बिल्कुल वैसे ही आप आटे या मैदा का डो लगाएं तो कचौड़ी कभी भी नहीं फटेगी, चाहे वो कचौड़ी हो या पराठे हो। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो डो लगाकर तैयार करे हैं वो दोनों सेम ही है। और अब आइए कचौड़ियों को बेलने की, एक एक स्टफ करी हुई कचौड़ी लेंगे, एक बार फिर से प्रेस कर देते हैं जिससे स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से हो जाएगी। बेलन लिया, कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ना तो मैंने इसे बहुत ज्यादा मोटा बनाया है ना बहुत ही ज्यादा पतला। एक और बना लेते हैं। पेड़ा रखा, अच्छे से प्रेस किया। कचौड़ी आप चाहे दाल की बनाएं या आलू की, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उन्हें ना बेलें वरना स्टफिंग बाहर निकल आएगी और कचौड़ी बेकार हो जाएगी। और लीजिए एक और बन गई है। इसी तरीके से मैं कुछ कचौड़ियां बनाकर तैयार कर लूंगी। ये कुछ कचौड़ियां हमारी बिलकर तैयार हो चुकी हैं और अब बारी है इन्हें सेकने की। और उसके लिए एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हम एक एक करके कचौड़ियां डालेंगे। आप आलू की कचौड़ियां बनाएं, दाल की बनाएं या सत्तू की बनाएं, कभी भी बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में आप कचौड़ियां ना डालें। उससे बाहर से तो कचौड़ियां एकदम लाल हो जाएंगी लेकिन अच्छे से अंदर तक नहीं सिक पाएंगी। और जैसे ही कचौड़ी अच्छे से फूली हम उसे टर्न कर देंगे और देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसी हमारी फूली फूली कचौड़ियां बनकर तैयार हो रही हैं। हल्का हल्का प्रेस करते जाइए जिससे कचौड़ी अच्छे से फूल सके। और देखिए ये भी फूल गई, इसे भी टर्न कर देते हैं। कचौड़ियों को सिकने में करीब 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। 4 से 5 मिनट में हमारी कचौड़ियां दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी सिक चुकी हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है और काफी अच्छी लग रही हैं। बस इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से बाकी की कचौड़ियां सेक लेंगे। और जैसे ये अच्छे से फूली इसे भी टर्न कर देते हैं। और ये कचौड़ियां भी बिल्कुल अच्छी सीक चुकी हैं, इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और लीजिए बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, एकदम फूली फूली और बहुत सारी स्टफिंग वाली हमारी क्रिस्पी सी आलू की कचौड़ियां बनकर तैयार हैं। आप इन्हें दही के साथ सर्व कीजिए, खीर के साथ सर्व कीजिए, चाहे तो हरे धनिये की चटनी के साथ, सबके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ चाय के साथ भी आलू की कचौड़ियां बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी, इसलिए अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एकदम झटपट और बहुत ही टेस्टी हमारी आलू की कचौड़ी बनकर तैयार है। कोई भी त्योहार का मौका हो, कचौड़ियां तो हम सभी के घर में बनती हैं, इसलिए उम्मीद है रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।